नमस्कार, मैं अभिषेक गोस्वामी आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने इस नए ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों, अभी मैं पहुंच चुका हूं केसरिया में। आप मेरे पीछे देख रहे हैं विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, ये मेरे पीछे है और ये है बिहार के पूर्वी चंपारण में, गोपालगंज से लगभग 30-40 किलोमीटर दूर और मोतिहारी से 30 किलोमीटर दूरी पे ये केसरिया है और ये विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। मैं यहाँ पे आया था एक ब्लॉग शूट करने के लिए, लेकिन अभी लॉकडाउन में यहाँ परमिशन नहीं है यहाँ पे वीडियो शूट करना या अंदर जाना, तो मैं यहाँ का आज ब्लॉग आज रहने देता हूँ। मैं फिर कभी आपको अंदर ले चल के पूरा घुमाऊंगा और यहाँ के बारे में पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा कि यहाँ पे क्या हुआ था, क्यों कब यहाँ पे बौद्ध स्तूप बना था और भगवान बुद्ध से यहाँ पे क्या रिलेशन है, उनका क्या रिलेशन है, मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। और फिलहाल अभी आपको लेके चल रहा हूँ मुजफ्फरपुर और वहाँ दिखाता हूँ आपको लीची बागान, आपको दिखाऊंगा कि मुजफ्फरपुर का लीची बागान कैसा होता है और कितना फेमस है वहाँ का लीची, टेस्ट करके भी बताएंगे कि कैसा लीची, कैसा स्वाद है वहाँ का। आपको ले चल के पूरा मुजफ्फरपुर घुमाते हैं लीची बागान में। फिलहाल ये ब्लॉग आपको बाद में देखने को मिलेगा। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं मुजफ्फरपुर के लीची बागान में। मुजफ्फरपुर के लीची के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं, अगर आप बाहर से हैं, तो एक बार गूगल पे सर्च जरूर कीजिए कि मुजफ्फरपुर का लीची कितना फेमस है। मैं आपको पूरा बागान में ले चलूंगा आपको। यहाँ देखिए, ये पूरा बहुत बड़ा बागान है यहाँ पे लीची का और इधर चारों तरफ वहाँ दूर दूर जहाँ भी देख रहे हैं वो सब लीची का बागान है। अभी मैं आपको इस बागान के अंदर ले चलूंगा और हमारे साथ हैं गरीब। पूरा नाम क्या है बाबू? गरीब, गरीब कुमार। बड़ा अच्छा नाम है यार, गरीब कुमार हमारे साथ हैं और पूरा लीची बागान घुमाएंगे और लीची के बारे में बताएंगे कि मुजफ्फरपुर का जो शाही लीची है उसके बारे में बताएंगे। चलिए लीची बागान में घूमते हैं। ये आप जितना दूर देखिएगा यहाँ पे पूरा लीची का ही बागान है। वाओ, ये शाही लीची है? चाइना, चाइना लीची है। शाही लीची क्या होता है? शाही होता है, गोल होता है। तो चाइना माने क्या है? चाइना अभी टूट रहा है, जिसमें हम तोड़ रहे हैं ना वो शाही लीची है। तो ये चाइना, चाइना माने चाइना का है क्या? हाँ, चाइना का। एक चीज मजा आया यहाँ पे, बागान में जितना खा लीजिए फ्री है, लेके जाने पे पैसा देना है। आपको घूमना है तो यह बागान में आप जा सकते हैं। कौन सा? जहाँ जो बैठे थे इधर आओ, थोड़ा बताओ भाई, आप पीछे चलिए। ये हमारे साथ हैं गरीब जी। कहाँ घर हुआ आपका? हमको हुआ यहाँ संदा हुआ, कपूरपुर। मुजफ्फरपुर में ही ना? तो ये हम लोग खा रहे हैं, इसका पैसा नहीं देना पड़ेगा? नहीं देना। क्या रेट है अभी? अभी रेट है 1200 का पेटी। 1200 का पेटी? 1200 का पेटी मैंने, पेटी में कितना आता है? 15-16 किलो। थोड़ा तेज बोलिए। 15-16 किलो है हमारे, 15-16 किलो 1200 रुपये में। महंगा नहीं हुआ यार? नहीं हुआ महंगा। अरे हमारे यहाँ 20-25 रुपया हो रहा है हमारे गोपालगंज में। नहीं, 1200 का पेटी चल रहा है। यानी बाहर भेजते हो ना? यहाँ लोकल में कोई खरीदेगा? लोकल तो लोकल में है ना, तो कम हो जाता है, 900-1000 हो जाता है। किलो पे? किलो पे जैसे 40-40 रुपये किलो। बोल देंगे और आप देख रहे होंगे यहाँ से चारों तरफ मुजफ्फरपुर की जो फेमस लीची है वो पूरा पक के तैयार है और तोड़ाई का काम भी चल रहा है, बाहर भेजा भी जा रहा है। तो ये बताइए गरीब कुमार जी, ये जो लीची है मुजफ्फरपुर का जो फेमस लीची है यही है? फेमस है शाही या चाइना है। लीची कितने तरह का होता है मुजफ्फरपुर में? एगो शाही होता है, एगो चाइना होता है, दो किस्म का होता है। शाही होता है और चाइना माने चाइना से क्या रिलेशन है उसका? चाइना क्यों नाम पड़ा उसका? चाइना हुआ कि जैसे कि लंबाई जो है ना चाइना का, वो जैसे चाइना पड़ गया, गोल जो टाइप पर होता है उसका। अच्छा, माने चाइना से कोई रिलेशन नहीं है, लंबा होता है उसको चाइना बोला जाता है और जो गोल होता है उसको शाही बोला जाता है। शाही बोला जाता है। तो ये शाही नहीं है, ये जो दिखाइएगा सर थोड़ा सा, चाइना, ये चाइना है। तो शाही लीची कहाँ पे मिलेगा? बगल में मिलेगा। अच्छा, यहीं पे मिल जाएगा बगल में। शाही लीची में आपको जानकारी बता दें, जो छोटा छोटा बीज होता है, गोल गोल लीची होता है, उसको शाही लीची बोलते हैं। इधर आ जाइए। तो यहाँ पे राहुल जी हैं, दिखाइए थोड़ा सा, इधर आइए।
हमारे मित्र राहुल जी हैं और ये हम लोग वीडियो शूट करने में लगे हुए हैं और ये लगातार खाने में, जब से सुने हैं कि खाने का पैसा नहीं है तो लगातार खाने में लगे हुए हैं। कैसा स्वाद है आपका? बहुत बहुत ही अच्छी टेस्टी लीची है। अच्छा। अब मैं चाहूंगा कि आप सब जरूर एक बार आके मुजफ्फरपुर की लीची खाएं। अच्छा, इसमें किसी किसी में कीड़ा बीच में है। हाँ, कीड़ा है इसमें, कोनो कोनो जो छेद जो हो गया होगा ना वो कीड़ा होगा, जिसमें छेद नहीं होगा वो कीड़ा नहीं है। अच्छा, मैंने कीड़ा पक जाने पे लग जाता है क्या? लग जाता है। खाते समय सावधानी बरतनी पड़ेगी। जी, मन आज खुश हो गया, इतना अच्छा लगा। कितना बगान है गरीब जी? लंगसम होगा 5-6 बगान होगा, 6। आपका नाम गरीब क्यों है? हमारा नाम नानी रख दिया। अच्छा, नानी रख दी। आप इतने इतने अमीर हैं कि फ्री में हम लोग को लीची खिला रहे हैं, आपका नाम गरीब है, बताइए। दिल के अमीर है, दिल के हम अमीर है, लेकिन अंदर के थोड़ा जो है ना, हम पूरा सच्चा दिल का आदमी है। जैसा लोग बिहार में मिल सकता है आपको, सही बताएं तो बिहारी को बदनाम किया जाता है बाहर में, लेकिन दिल के सच्चे होते हैं बिहारी। आप बाहर से देख रहे हैं, अगर आपका कोई दोस्त बिहारी होगा तो आपको पता होगा कि बिहारी जो होता है दिल का कितना सच्चा होता है। देखिए कितना महंगा है ये सीजन में, बाहर जाके बहुत महंगा, ये एक्सपोर्ट भी होता है। गरीब भाई को पता नहीं होगा लेकिन विदेशों में भी ये लीची मुजफ्फरपुर का फेमस है, बाहर जाता है, बाहर जाता है, विदेशों में भी जाता है। जो अच्छी क्वालिटी की जो शाही लीची होती है ना, मौसम खराब हो रहा है, बिजली गिरने वाला है, वीडियो को हम लोग रोकना चाहेंगे और यहाँ से हम लोग निकलेंगे। आपको लीची बगान का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आगे और भी ब्लॉग हम दिखाते रहेंगे, ऐसे रोचक वीडियो आपको लिए लाते रहेंगे। फिलहाल फ्री का थोड़ा लीची खा लेने, तो बारिश आ जाएगा, लीची भी नहीं मिलेगा, वीडियो शूट करते रह जाएंगे। बाय बाय, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फ्री का लीची है तो थोड़ा ज्यादा खा लें, वीडियो तो बाद में शूट होते रहेगा। गोपालगंज में खरीदना पड़ेगा। टेस्टी है लेकिन खट्टा नहीं है। मनोज सर हैं जीपीएल कैंप से, जीपीएल कैंप के एमडी हैं, और मनोज सर कैमरा पकड़े ही रह गए थे और लीची भी नहीं खा पाए, वीडियो में भी नहीं आया और साथ में बारिश आ गया। बहुत बढ़िया लीची है ये, ये मुंबई में नहीं मिलता है, मुंबई वाले लोग बहुत इसको डिमांड करते हैं कि भाई ये है क्या। बड़ा संभाल के खाना पड़ता है, इसमें कीड़ा भी रहता है। कोई भी गार्जियन अगर अपने बच्चे को लीची खिला रहा है तो उसमें ये जो जड़ होती है यहाँ पे देख लेना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे कीड़ा भी रहता है। चलेंगे। ए ओली, अभी मुजफ्फरपुर के लीची का हम लोग ब्लॉग शूट कर रहे थे, अचानक से बारिश इतनी तेज शुरू हो गई, हम लोग मुजफ्फरपुर की तरफ बढ़ रहे हैं और दिखा रहे हैं आपको कि कैसे गाड़ी की आवाज जो सुन रहे हैं, ये जो बर्फ गिर रहा है ना, ओला जिसको बोलते हैं, बड़ा बड़ा बर्फ का टुकड़ा गिर रहा है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ, पेट्रोल पंप में घुस जाइए। ये जो आवाज आप देख रहे हैं ये बर्फ गिर रहा है, ओला, बड़ा बड़ा ओला शीशा पे गिर रहा है और बहुत भयानक, आगे दिख नहीं रहा थोड़ा भी। देखिए कोरोना में जब भी बाहर निकलिए, अभी कोरोना के माहौल में, तो घर से लंच बॉक्स लेके निकलिए। घर से हम लोग खाना लेकर आए थे और थोड़ा सा जगह इग्नोर कीजिएगा, जंगल में हम लोग मंगल कर रहे हैं, बढ़िया खाना खा रहे हैं, हमारी राम प्यारी उधर लगी हुई है।